नमस्कार, मैं हूँ राहुल तिवारी और आप देख रहे हैं टेक्निकल दद्दा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस अभी जिल्ली ऐप के बारे में पिछले मैंने आपको कई ढेर सारी वीडियो में बताया है, जिसमें गाइस मैंने आपको जिल्ली ऐप पर फॉलोअर कैसे बढ़ाए, पैसे कैसे कमाए, हर एक टॉपिक पर मैंने आपको जो है जिल्ली ऐप से रिलेटेड वीडियो दे रखी है। और अभी यार जिल्ली ऐप ने एकदम से यार हद पार कर दी है भाई। पिछले जो है कुछ दिन जब भी यार जिल्ली ऐप पर न्यू अपडेट आई थी जेट पॉइंट सेंटर का, तो उस टाइम तो जो है दिल्ली ऐप पैसे खूब लुटा रहा था, खूब पैसे दे रहा था और अभी भी दे रहा है, ऐसा नहीं है अभी भी दे रहा है। बट अभी यार दिल्ली ऐप एकदम से यार दिमाग खराब कर रखा है मेरा तो, और मैं तो यही बोलूंगा कि अभी यार एकदम से ये जो है एकदम हद पार कर रहा है। और अगर आप भी यार दिल्ली ऐप के यूजर हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट आज की इस वीडियो में इतनी सी करूंगा कि भाई वीडियो को फुल वॉच करके जाना, वीडियो को मैं छोटी से छोटी बनाने की कोशिश करूंगा। और अभी जिल्ली ऐप क्या कर रहा है और इसको क्या नहीं करना चाहिए, चलते हैं मोबाइल की होम स्क्रीन पर। हूँ जिल्ली ऐप की होम स्क्रीन पर, और अभी गाइज यार जिल्ली ऐप को बिल्ली बनाने का टाइम आ गया है। अभी गाइज यहाँ पर आपको जिल्ली ऐप की होम स्क्रीन की वीडियोज देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर मैं खुद की प्रोफाइल पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर जैसे मैं आऊंगा यहाँ पर गाइज आपको देखने को मिल जाएगा कि जिल्ली ऐप पर, पहले गाइज मैं आपको थोड़ा सा बैक करके दिखाऊंगा, तो पहले गाइज मैं ऐसी टेक्स्ट वाली वीडियो बना के अपलोड करता था और मुझे खूब अच्छी खासी अर्निंग होती थी। तकरीबन 800-900 रुपये, मुझे 1000 रुपये, 2000 रुपये तक की मुझे डेली की डेली अर्निंग हो जा रही थी। मतलब 10-15 दिन तो मैंने यार 2000 रुपये कमाए। तो इस तरीके मुझे यहाँ पर अच्छी खासी, मतलब बोलने का कि अच्छी खासी मुझे अर्निंग यहाँ पर एवरेज 1000-1500 रुपये की डेली अर्निंग यहाँ पर हो जा रही थी। तो यहाँ पर जिल्ली ऐप ने क्या किया कि एक न्यू अपडेट कर दी कि अभी आपको, आप ऐसी टेक्स्ट वाली वीडियो बनाओगे तो उस पर हम व्यूज़ डाउन कर देंगे। तो ऐसी जो भी टेक्स्ट वाली मैं वीडियो बनाने लगा तो उस पर मेरे व्यूज़ डाउन होने लगे, तो मैंने अपने फेस को दिखाकर वीडियो बनाना स्टार्ट किया। और अभी जिल्ली ऐप ने क्या किया कि इस फेस वाली वीडियो पर मुझे जेट पॉइंट दे रहा था। मतलब जिस वीडियो, जो मैं ऐसी टेक्स्ट वाली वीडियो बना रहा था, हो सकता है आई होप आपको भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही हो या पहले रही हो या अभी हो, प्रेजेंट टाइम पर अगर हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पर मैं ऐसी टेक्स्ट वाली वीडियो बना रहा था और व्यूज़ डाउन कर दे रहा था जिल्ली ऐप, और उस पर जेट पॉइंट भी नहीं दे रहा था। तो मैंने अपने फेस को दिखाकर वीडियो बनाना स्टार्ट किया और उस पर मुझे जो है यहाँ पर जेट पॉइंट्स मिल रहे थे, थोड़े बहुत मिल रहे थे, बट जिस हिसाब से व्यूज़ आ रहा था उस हिसाब से मुझे मिल रहे थे, क्योंकि मैं पहले टेक्स्ट वीडियो बना रहा था और फिर मैंने फेस वाली वीडियो बना के अपलोड करना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर जो मेरे व्यूअर थे शायद वो मुझे पहचान नहीं पा रहे थे या जो भी प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पर जो भी मेरे व्यूअर थे वो टैक्स वाली वीडियो देख रहे थे, उनको वो पसंद थी और अचानक से मैं अपनी फेस वाली वीडियो बनाने लगा तो व्यूज़ थोड़ा डाउन हुआ, तो उस पर मुझे जेट पॉइंट्स भी बहुत कम मिलने स्टार्ट हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हो 1000-1000 जेट पॉइंट्स मुझे हर एक वीडियो पर यहाँ पर जिल्ली ऐप पे कर रहा था। और अभी यहाँ पर गाइस देखो, अभी मैंने कल ये वीडियो बना के अपलोड की, यहाँ पर गाइस देखो ये वाली वीडियो बना के अपलोड की, इसी सेम वीडियो को मैंने मोज ऐप पर भी अपलोड कर रखा है, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जिल्ली ऐप को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जिल्ली ऐप ने क्या किया कि यहाँ पर भाई मेरी वीडियो को रिमूव कर दिया और बता रहा है कि उसकी कम्युनिटी पॉलिसी के खिलाफ है ये वीडियो। यहाँ पर आप देख सकते हो कम्युनिटी पॉलिसी उनकी कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है। अब यहाँ पर खिलाफ है ऐसा क्या, मैंने फनी वीडियो बनाई है और वीडियो में मैंने ये बताया कि भाई रक्षाबंधन के दिन आ गए हैं, मतलब कि लड़कों लड़के सावधान रहे, फ्रेंडशिप के दिन गए, अभी रक्षाबंधन के दिन आने वाले, तो इसमें यार मैंने ऐसा क्या बोला। और ऐसी प्रॉब्लम आप में से कई प्यारे दोस्तों की आती है, अभी कई प्यारे दोस्त यार कमेंट भी करते कि भाई मैं अपने फेस को दिखाकर वीडियो बना रहा हूँ फिर भी यार जिल्ली ऐप मेरी वीडियो पर कॉपीराइट दे रहा है, वीडियो को रिमूव कर दे रहा है। तो अभी यार मैं यही बोलूंगा कि जिल्ली ऐप ने एकदम से हद पार कर दी भैया। तो अभी गाइस यार जिल्ली ऐप पर कुछ भी फिक्स नहीं है, आप चाहे टैक्स वीडियो बनाओ, चाहे आप फेस को दिखाकर वीडियो बनाओ, उसका जिस पर दिल करेगा उसको उस वीडियो का व्यूज़ डाउन कर देगा, वीडियो को रिमूव कर देगा, वीडियो को हटा देगा, मतलब कुछ फिक्स नहीं। और कई प्यारे दोस्तों का मैं होम स्क्रीन पर देखता हूँ वीडियो, कई सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं। ये देखो आप गाइस, यहाँ पर भाई को जो है कुछ यहाँ पर लेबल वगैरह भी मिल गया है और इनकी आईडी पर मैं आ जाऊँगा, मदन लाल 1448 करके भाई की आईडी है। और मुझे लगता है कि भाई ने मेरी वीडियो कहीं ना कहीं वॉच की, क्योंकि ये जो टैक्स वीडियो बना रहे हैं मेरी तरह है, आप यहाँ पर देख सकते हो ऐसे मैं भी वीडियो बनाता हूँ। इन्होंने वाइट बैकग्राउंड ले लिया है और मैं जो है येलो बैकग्राउंड लेता हूँ। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हो
कि भाई काइन मास्टर से ही एडिट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि मैंने जो है बताया था, आई होप कि मेरे ही वीडियो देखकर ये जो है भाई वीडियो बना रहा हो। और अभी भाई को यहाँ पर अच्छे खासे जेट पॉइंट्स लिया पे कर रहा है, ना ही इसकी कोई वीडियो यहाँ पर जो है नॉन ओरिजिनल है, ना ही जो है इनका कोई सॉन्ग जो है यहाँ पर कॉपीराइट है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पर भाई की आईडी भी न्यू है, आप देख सकते हो 1842 यहाँ पर इनके फॉलोअर्स टोटल हुए हैं, तो आईडी एकदम से यहाँ पर मुझे लगता है कि न्यू होगी। और टोटल वीडियो भाई ने अभी यहाँ पर 42 वीडियो अपलोड कर रखी है, तो ज़्यादा कुछ अभी यहाँ पर इनको अर्निंग भी नहीं हुई होगी। तो यहाँ पर अभी यार जिल्ली ऐप ने एकदम से हद पार कर दी, कुछ भी यहाँ पर उसने फिक्स नहीं कर रखा है कि किस आईडी पर, किसकी आईडी पर जो है पैसे देगा, किसको नहीं देगा, कौन सी वीडियो को नॉन ओरिजिनल करेगा, कौन सी वीडियो को ओरिजिनल करेगा, कौन सी सॉन्ग पर कॉपीराइट देगा, कौन से जो है वीडियो पर कॉपीराइट दे देगा। तो अभी गाइज मैं यहाँ पर आपसे एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखो गाइज, अगर आपको आपने जिल्ली ऐप पर आईडी बनाई थी, आपकी आईडी थोड़ा ओल्ड हो गई है, तो आपको अभी जिल्ली ऐप जेट पॉइंट्स नहीं पे कर रहा होगा, मुझे भी नहीं दे रहा है। तो अगर ऐसी गाइज आपको भी प्रॉब्लम आ रही होगी, तो मैं आपसे एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप भाई क्या करो, एक न्यू आईडी भी बना लो और वहाँ पर ऐसी टैक्स वाली वीडियो बनाकर अपलोड करो। एग्जांपल मैंने यहाँ पर आपको शेयर ही कर दिया कि भाई अभी न्यू आईडी बना रहा है और इस पर यह वीडियो अपलोड कर रहा है, इसको अच्छे खासे जिल्ली ऐप जेट पॉइंट पे कर रहा है। तो आप भी कोई न्यू आईडी बनाकर ट्राई कर लो, अगर पैसे ही कमाने हैं। जिल्ली ऐप स्टार्टिंग में पैसे अच्छे अभी दे रहा है, और यहाँ पर जैसे ही आपकी थोड़ी आईडी ओल्ड हो जा रही है, तो आपको यहाँ पर ढेर सारी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिससे आप जो है आप ज़्यादा अर्निंग ना कर पाओ, उसको ज़्यादा पैसे पे ना करने पड़े। तो यहाँ पर ये चीज़ आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि भाई जिल्ली ऐप का भी यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं। कई प्यारे दोस्त कमेंट कर रहे थे, तो भाई आपकी यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी कि आप भाई यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है। अगर आपने कोई आईडी बनाई थी, वहाँ से पैसा विड्रॉल लगाया, आपको पैसा नहीं मिल रहा, तो आप कोई दूसरी आईडी आप ट्राई कर लो। या गाइज और भी कई सारे शॉर्ट वीडियो ऐप हैं, अभी आप यूट्यूब पर भी शॉर्ट्स आया है, यूट्यूब का शॉर्ट्स बना लो, या भाई मोज एप्लीकेशन है उस पर भी ट्राई कर लो। मोज पर भी मैंने कई वीडियो बना रखी है, और अभी जिल्ली ऐप का दिमाग एकदम से खराब हो गया, मानसिक संतुलन ये इसने खो दिया है। तो अभी यहाँ पर गाइज ये प्रॉब्लम रहेगी आपके साथ। आप अगर अपनी ओल्ड आईडी पर वीडियो बनाते रहोगे, तो आपको किसी वीडियो पर जेट पॉइंट मिलेगा, किसी पर नहीं मिलेगा, कोई वीडियो रहेगी, कोई वीडियो को कॉपीराइट देकर उसको एकदम से हटा देगा और रीज़न भी नहीं बताएगा क्या हुआ। तो ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और दूसरी गाइज में जो आपको जानकारी देना जा रहा था, वो ये है कि गाइज मैं अभी जेट पॉइंट सेंटर पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हो कि 23-24 हज़ार रुपये मैंने तकरीबन अर्न कर लिए हैं जिल्ली ऐप से। अभी गाइज आपके सामने मेरा जो है जिल्ली जेट पॉइंट सेंटर ओपन हो गया है, वॉलेट ओपन हो गया है जेट पॉइंट का, और यहाँ पर आप टोटल जेट पॉइंट वगैरह मेरे आप देख सकते हो, अवेलेबल बैलेंस वगैरह आप देख सकते हो, और यहाँ पर आप गाइज देख सकते हो टोटल मैंने 23-24 हज़ार रुपये की यहाँ पर अर्निंग कर ली है। तो यहाँ पर गाइज मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाह रहा था कि गाइज देखो, अगर आप जिल्ली ऐप को, चाहे आपकी आईडी अगर ओल्ड हो गई है, तब भी आप इस चीज़ पर ध्यान देना। अगर गाइज आपकी आईडी न्यू है, एकदम न्यू बना रहे हो, या ओल्ड थी उस पर आपको जेट पॉइंट नहीं मिल रहा, आप न्यू बनाने जा रहे हो, तो वहाँ पर भी गाइज आप इस बात का विशेष ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना है गाइज, कि आपके वॉलेट में जैसे ही गाइज आपके वॉलेट में 200 रुपये हो जाते हैं, अगर आप डेली का न्यू आईडी आपने बनाया, उस पर आपको अच्छे खासे जेट पॉइंट मिल रहे हैं, तो आप डेली का जो भी पैसे कमा रहे हो, उसको दूसरे दिन आप विड्रॉल लगाओ, फिर वीडियो बनाकर अपलोड करो। यहाँ पर ये आप ध्यान रखना कि आप पैसा, बहुत ज़्यादा पैसा आप वॉलेट में इकट्ठा मत होने देना, वरना गाइज आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर मुझे जो लगता है, और कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम आ भी रही है, कि आप अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा आप इकट्ठा हो जाने देते हो, मतलब कि जो है 10-20 हज़ार हो जाते हैं, 8 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार, 20 हज़ार अगर आपके वॉलेट में पैसे हो गए, अगर आप सोच रहे हो कि चलो 10 हज़ार हो जाएगा फिर मैं विड्रॉल लगाऊंगा, तो यहाँ पर गाइज आपको ये प्रॉब्लम भी हो सकती है कि आपको पैसा ही ना मिले। ठीक है, यहाँ पर आपको विड्रॉल सक्सेस दिखा देगा जल्दी और पैसा आपके बैंक अकाउंट में नहीं भेजेगा, तो ये प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको यही बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि आप जो भी पैसे कमाओ, उस पैसे को आप दूसरे दिन विड्रॉल लगा लो। आप कुछ भी ऐसा मत सोचो कि यार बाद में विड्रॉल लगाऊंगा, क्योंकि जिल्ली ऐप गाइज यहाँ पर थर्ड पार्टी ऐप है, चाइनीज एप्लीकेशन है, इंडिया में चल रहा है, और ये कब तक पैसे देगा कब तक नहीं देगा कुछ फिक्स नहीं है इसका। तो यहाँ पर गाइज आप इस चीज़ का ध्यान रखना, जिल्ली ऐप अभी न्यू आईडी पर कुछ किसी आईडी पर किसी को पैसे बहुत अच्छे खासे लुटा रहा है और किसी को पैसे दे नहीं रहा है। तो यहाँ पर गाइज ये प्रॉब्लम अभी जो है जिल्ली ऐप ने देना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर गाइज आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। आई होप कि गाइज आपको ये छोटी सी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। चलते हैं गाइज मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय